नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी, मैं हूँ नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ एक बार फिर से इसके साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के बहुत ही मुखर और बहुत ही ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपनी बातों से जो है विरोधियों के सुर जो है काफ़ी हद तक जो है चित कर देते हैं। और राकेश त्रिपाठी एक बीजेपी का जो है एक युवा प्रवक्ता जो कई मसलों पर बहुत बेबाकी से अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे रखता है। ये पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए भी। राकेश जी, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार भी। और शुरुआत में उत्तर प्रदेश की उस चुनावी सरगर्मी से करना चाहती हूँ जिसमें उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तो घोषणा कर ही दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि इंडिया घटक दलों के बीच में अगर सीटों को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है, तो एनडीए के घटक दलों के बीच में भी यही रस्साकशी देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह के सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो खबरें आई हैं कि निषाद पार्टी जो है चाहती है कि कुछ सीटों पर बीजेपी उसे दे दे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। आपका क्या कहना होगा इन सब तमाम जो अटकलें हैं, स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर, राकेश जी? गठबंधन पॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो भारत में जो गठबंधन की राजनीति है, इस गठबंधन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे ट्रस्टेबल पार्टनर के तौर पर हमेशा दिखाई पड़ती है। सबसे लंबे समय तक गठबंधन हम लेकर के चले हैं और हमने अपने छोटे घटक दलों को भी बड़ा सम्मान देने का काम किया है। आज निषाद पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या अपना दल, उसके साथ एक बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और हम केवल क्षुद्र छोटे छोटे स्वार्थ के लिए गठबंधन न बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बड़े लक्ष्य के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, सबको एकजुट रखने के लिए है और हम इस नाते टिकट के बंटवारे जैसी छोटी बात के आधार पर हम गठबंधन को तोड़ा नहीं करते। ये विचारधारा के आधार पर हुआ गठबंधन है। लेकिन आपने जब इंडिया ब्लॉक की बात की है, इंडिया अलायंस की बात की है, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस में जरूर इस समय डावाडोल स्थिति दिखाई पड़ रही है। हरियाणा के चुनाव परिणाम आते ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने लगे, कांग्रेस पार्टी को कमजोर देख करके उन पर हमला बोलने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। 6 सीटों के टिकटों का अनाउंसमेंट समाजवादी पार्टी ने कर दिया जिसमें मचमा की सीट और फूलपुर की सीट। कांग्रेस पार्टी अपना दावा भर रही थी कि फूलपुर गांधी परिवार की विरासत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, लेकिन फूलपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपमानित करने का काम किया। जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां क्षेत्रीय दलों को अपमानित करने का काम करती है और अब बारी समाजवादी पार्टी की है। इसमें समाजवादी पार्टी उसका बदला ले रही है। वैसे भी सपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो गठबंधन को लेकर के सपा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब। 2017 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। 2022 में सुहासपा, महान दल जैसे छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया और 22 का चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। 24 का चुनाव खत्म हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस उनका गठबंधन अब लगभग खात्मे की स्थिति में है, खात्मा गठबंधन का हो चुका है, लेकिन फिर भी लेकिन कोई भी गठबंधन कर ले, कितनी भी ताकत लगाए, हम अपने गठबंधन के साथ तैयार हैं। निषाद पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या अपना दल हो, हमारे किसी भी घटक दल में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम मिलकर के सभी की सभी 10 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, लेकिन इन जो 4 सीटों पर निषाद दल का जो है स्टेटमेंट आया, नेता कह रहे हैं कटेहरी हो, मझवा हो, फूलपुर हो, मिल्कीपुर हो, इन सभी सीटों पर निषाद दल का ये दावा है कि इनका एक बड़ा वोट आधार है, वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी का अपने चुनाव चिन्ह पर इन जगहों पर जीतना मुश्किल है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हों। लेकिन बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अगर निषाद पार्टी के कोई एक अगर सीट दी जाती है तो वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े। इन सब बातों को कैसे देखते हैं आप, राकेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बहुत उदारता का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों को भरपूर सम्मान दिया है। हम गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करके निश्चित तौर पर इसका समाधान भी कर लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई मन मुटाव हमारे बीच में नहीं रहेगा। दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो निषाद पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में अपने लिए अपेक्षाएं करेंगी, क्योंकि 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी और 2 सीटें निषाद पार्टी के खाते में थी। निषाद पार्टी इसको लेकर के दावा कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव जीतने के लिए सब मिलकर के साथ रहेंगे।
निर्णय जो होगा वो पार्टी बैठ करके शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके समाधान कर लेंगे कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन सारी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को लेकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कामकाज को लेकर के जाएगा। हम पूरे एकजुट तरीके से, हम किसी जाति मजहब के गठजोड़ में नहीं, सभी समाज को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर के आगे जाने वाले हैं। विजय पताका हमारी भी लहर है। राकेश जी, यानी आपकी बातों से हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि जब एनडीए यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, उनके नामों की घोषणा करेगी, तो दो निषाद दल के उम्मीदवार भी होंगे और एक सीट पर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका उम्मीदवार भी होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उसकी एनडीए के दलों के साथ, वो इसका परिचय देगी और गठबंधन धर्म का पालन करती नजर आएगी। देखिए, चुनाव के स्थानीय समीकरण क्या है, चुनाव के स्थानीय समीकरणों में किस राजनीतिक दल के सिंबल पर लड़ने से हमें विजय पताका आसान होगी लहराने में, इसके आधार पर निर्णय होगा। और मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दबाजी है, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी हम आपसी सहमति तय कर लेंगे। सभी की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी बूथों पर उत्तेजी से है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 10 सीटों पर जाकर के जनता को संबोधित करने का काम किया है, विकास कार्यों का जायजा लेने का काम किया है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमाम कार्यकर्ता वहां नीचे तक पहुंचे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़े या निषाद पार्टी लड़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ लड़ेंगे। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे वहां निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी तत्परता के साथ एनडीए को एकजुट रखते हुए विजय पताका लहराने का काम करेंगे। जी राकेश जी, आपने ये भी कहा इन बातों के दौरान कि इंडिया गठबंधन जो है खात्मे के कगार पर है उत्तर प्रदेश में, आखिर किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम उजागर कर दिए, इस पर घोषणा कर दी, लेकिन इससे गठबंधन का फैसला हो गया, ये कैसे बीजेपी इस बात का दावा कर रही है? क्या आप देख पा रहे हैं जो अखिलेश कर रहे हैं, जो कि गठबंधन धर्म के विपरीत है? देखिए नेहा जी, इसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको वर्ष 2023 में संपन्न हुआ मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद दिला रहा हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता जाकर के कांग्रेस के नेताओं के इंतजार में रात भर बैठे रहे। ये बात अखिलेश यादव जी ने कही कि हमें रात भर बिठाया लेकिन कमलनाथ जी ने मुलाकात नहीं की। और जब कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश अपमान करने का काम किया था, और ये कहा कि ये इंडिया अलायंस जो बना है, जो इंडिया ब्लॉक जिसको वो कहते हैं, ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है। तो ये बात तो उन्होंने स्वयं कही है। मध्यप्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में हमने देखा है कि कैसे रणदीप हुड्डा ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि अखिलेश यादव जी की पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हम उनके साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव और मध्यप्रदेश का चुनाव इस बात का बैकग्राउंड स्थापित करता है कि विधानसभा के चुनाव में ये इंडी गठबंधन काम नहीं करता है। और जिस तरह का व्यवहार विशेष करके अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ कांग्रेस ने किया है, ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि समाजवादी पार्टी उनके प्रति कोई उदारता रखे। जी, यानी जो इतिहास खुद को जो है उत्तर प्रदेश में दोहराता हुआ दिखेगा, जब बात इंडिया गठबंधन दलों के बीच में आपसी स्नेह या आपसी जो गठबंधन धर्म की राजनीति है उसका परिचय देते हुए दिखेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपको इसके साथ छोड़ जाती हूँ, जरूर इसको समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसा भी क्यों हर साल नजर आने लगता है कि अखिलेश जी को जेपी जयंती पर जो है जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर जाने से रोका जाता है, और योगी सरकार इसकी पूरी कोशिश करती है कि जेपी सेंटर पर अखिलेश ना पहुंच जाए। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति की ही दुहाई दी जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है हर साल, समझेंगे। राकेश जी, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ गई थी कि जेपी जयंती को लेकर आखिर राजनीति क्यों उत्तर प्रदेश में इतनी गर्म हो जाती है, लखनऊ में कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाने लगती है कि अगर जेपी सेंटर पर अखिलेश पहुंच गए तो वहां पर कानून व्यवस्था जो है बिगड़ सकती है। राकेश जी, क्या कहना होगा पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का जयप्रकाश नारायण जी से कोई सरोकार नहीं बचा है, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के नाम पर जिस तरह का अराजकता फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण जी की सप्त क्रांति जो थी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, उस कांग्रेस पार्टी के जिसके आज दरबारी बन करके अखिलेश यादव जी तमाम अपमान सहकर भी उस कांग्रेस पार्टी के आज बिल्कुल चरणों में आज उनकी चरण धूली लेने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से अब समाजवादी पार्टी का कोई सरोकार नहीं बचा है। जहां तक बात जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र में जाने न जाने की है, देखिए जेपी एनआईसी तो भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत है। जेपी एनआईसी अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में जब बनना प्रारंभ हुआ था तो जिसका डीपीआर बना था उस डीपीआर से दोगुनी कीमत उन्होंने अपने ही कार्यकाल में उसको 3 बार रिवाइज कर करके की
850 करोड़ रुपए लगभग उस पर खर्च कर दे जो उन्होंने कीमत का आकलन किया था, उसको डबल करने के बाद भुगतान देने के बाद भी जेपीएनआईसी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। उसकी गुणवत्ता को लेकर के बेहद गंभीर सवाल है जिसको लेकर के जांच अभी चल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने के बाद आप जाकर के जो निर्माणाधीन है आप किसी प्रकार के साक्ष्यों को नष्ट करना चाहते हैं क्या? वो जो जांच के दायरे में चल रहा है वहां पर जाकर के ही आप जयप्रकाश नारायण जी को क्यों अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? इसके लिए बहुत सारी मूर्तियां लखनऊ में मौजूद है, बहुत सारे स्थान मौजूद है जहां पर आप जयप्रकाश नारायण जी को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको अपने स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाकर के इस प्रकार का एक वितंडावाद खड़ा करना ये समाजवादी पार्टी की क्षुद्र राजनीति है और इस राजनीति से समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। अगर वो जनता से सरोकार से जुड़े हुए कोई मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में जाते, धरना करते, प्रदर्शन करते, आंदोलन करते तो निश्चित तौर पर जनता उनके साथ जुटी। लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसको लेकर के अगर अखिलेश यादव जी मुद्दा उठाते हैं तो ये मुद्दा बूमरैंग करेगा, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लिए नुकसान पहुंचाएगा। नहीं राकेश जी, अगर ये मुद्दा अखिलेश यादव को बूमरैंग करेगा, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो योगी सरकार इस पर कार्रवाई बिठा सकती है अगर करप्शन के चार्जेस हैं सीधे सीधे। लेकिन माल्यार्पण से किस तरीके की आप ये बीजेपी को शंका है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के जो सबूत है उसके साथ किसी तरह का यहाँ पर जो है मिटाने की कोशिश या साजिश हो सकती है राकेश जी? नहीं, मुझे मैंने स्पष्ट तौर पर कहा ना कि जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति लखनऊ में अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है, अन्य सभागारों में भी इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं और पार्टी के सभागार के भीतर भी वो कार्यक्रम कर सकते हैं। क्यों जयराम के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाना चाहते हैं जिसको लेकर के अभी जांच चल रही है, जहां निर्माणाधीन कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिस परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगी हुई है, जहां पर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को नहीं कर सकता है, अभी वो स्थान निर्माणाधीन है बनकर के तैयार नहीं है, जानबूझ करके वहां पर जाकर के मीडिया अटेंशन क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं है। आप जयप्रकाश नारायण जी को याद करना चाहते हैं, उनको स्मरण करना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं तो बहुत सारे स्थान हैं, आप उन स्थानों पर जाकर के कर सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली जाकर के क्यों नहीं करना चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव जी का तो सपना था ना कि समाजवादी पार्टी को वो राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते थे। आखिर जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी होने का दावा करने वाले जयप्रकाश नारायण जी के क्यों नहीं उनके स्थान पर जाना चाहते हैं जहां वो पैदा हुए थे? जी, लखनऊ में अन्य स्थानों पर जाएं लेकिन जेपी एनआईसी जो है वहां पर ना जाएं, बीजेपी यही चाहती है। इंतजार करें जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जब बनकर के तैयार हो जाएगा, उसकी भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो जाएगी तो वो निश्चित तौर पर जनता के लिए खोला जाएगा, तब अखिलेश यादव जी भी जाए और लखनऊ की महान जनता भी वहां जा सकेगी। हम भी जाएंगे और आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप भी अपनी कवरेज की टीम के लिए वहां भेज सकते हैं, आप भी वहां से लाइव प्रसारित करके सबको दिखा सकते हैं। अखिलेश यादव का आरोप ये है कि बीजेपी जेपी नारायण के जो आदर्श हैं उनको नहीं मानते, इसलिए उसकी ये कोशिश है कि इस तरह के जो है इसे कुचला जाए, इसके आदर्शों का सम्मान ना हो। अगर बीजेपी सम्मान करती तो बीजेपी कोई बड़ा आयोजन स्वयं कर सकती थी जेपी जयंती पर उनको उनके आदर्शों के सम्मान स्वरूप। राकेश जी, इस आरोप पर क्या? जयप्रकाश नारायण जी किसी पार्टी के किसी विचारधारा में बंधे हुए नहीं है, वो सबके रहे और उनकी संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था उस संपूर्ण क्रांति के आह्वान के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो गुरु बनाम जनसंघ था, जनसंघ को हमने विलीन कर दिया था जनता पार्टी ने, हम उनकी संपूर्ण क्रांति के उस आंदोलन के साथ थे। तो कोई ये बात नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण जी की बात नहीं मानती है, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को नहीं मानती है। जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के उनके सारे आंदोलन को लेकर के ग्राउंड लेवल तक जन जन तक पहुंचाने का काम तत्कालीन जनसंघ ने और बाद की भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम जयप्रकाश नारायण जी को बहुत आदर के साथ देखते हैं, बहुत सम्मान के साथ देखते हैं और जयप्रकाश नारायण जी को लेकर के अलग अलग स्थानों पर इकाई स्तर पर हम इसको केवल एक कोई इवेंट नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि हर जिले में, हर तहसील में, हर विधानसभा क्षेत्रों में हम छोटे छोटे कार्यक्रम स्थान स्थान पर करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के और हर राज्यों के मुख्यमंत्री तक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम स्मरणांजलि करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, हम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जी राकेश जी, जयप्रकाश जी से अब अलग मैं मदरसा पॉलिटिक्स क्या है बीजेपी की इसको समझना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है मदरसों पे जो है कथित रूप से जो है कार्रवाई करती नज़र आती है, वहाँ पर गड़बड़ियों की बात की जाती है, वहाँ पे इररेगुलरिटीज़ की बात की जाती है, इसलिए कई मदरसों को बंद भी कर दिया गया, कई के जो है जो वित्तीय आवंटन है उसमें कटौती की गई योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अगर महाराष्ट्र चले जाइए
तो बीजेपी ही उस सरकार में, महायुति सरकार में शामिल है। और यहाँ पर मदरसों के शिक्षकों की जो सैलरी है, वेतन है, उसमें 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि चुनाव के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। फिर आपके जो कट्टर समर्थक हैं उनके लिए बीजेपी क्या यहाँ पर संदेश देना चाहेगी? यूपी में अलग पॉलिटिक्स मदरसों पर, महाराष्ट्र में मदरसों पर अलग पॉलिटिक्स। जी देखिए, मैं एक बात बेहद स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हम मदरसों के खिलाफ नहीं है, हम मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के पक्ष में हैं, हम मदरसों से कट्टरपंथ फैलाए जाने के खिलाफ हैं, मदरसों को फैक्ट्री के रूप में, आतंक की फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हैं, मदरसों को योजनाबद्ध तरीके से देश के खिलाफ प्रयोग किए जाने के निश्चित तौर पर खिलाफ हैं। हमने उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, तो मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में हमने मदरसों के ऑनलाइन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम अनिवार्य किए, और जैसे ही हमने ये नियम अनिवार्य किया, 4 लाख छात्र डिलीट हो गए, 4 लाख छात्रों का आता पता नहीं चला। स्कॉलरशिप के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा मदरसों में चल रहा था, हमने उसको रोकने का काम किया। बड़ी संख्या में मदरसों का जब वेरिफिकेशन करने का काम किया, तो बहुत बड़ी संख्या में मदरसे उत्तर प्रदेश से गायब दिखाई पड़े, जो केवल कागजों में चल रहे थे, जिनके नाम पर फॉरेन फंडिंग हो रही थी, जिनके नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक हमने SIT बना करके, जो विशेष तौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हमने जांच की, तो बहुत बड़ी संख्या में मदरसों की संख्या पाई गई, जो जनसंख्या की आबादी के अनुपात के विपरीत थी। यानी मदरसों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अगर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी कंसर्न है। लेकिन वो मदरसे जो मॉडर्नाइजेशन के साथ है, जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, जो मॉडर्न जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसको अपने साथ एडॉप्ट कर रहे हैं, NCERT के पाठ्यक्रम को साथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं, दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम देने का भी काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, हम इस तरह की तालीम दिए जाने के पक्षधर हैं, और जो मदरसे ऐसा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन मदरसों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी सहयोग देने का काम करती है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया है, लेकिन मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा चले ये स्वीकार नहीं। ठीक है राकेश जी, तो फिर महाराष्ट्र में मदरसों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाए गए, तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाए जाने चाहिए? मैं निश्चित तौर पर, अगर इस बात की अपेक्षा होगी और इस बात की आवश्यकता होगी, तो जैसे शिक्षकों के, संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के वेतन बढ़ते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय की शिक्षकों के वेतन बढ़ते हैं, उसी अनुपात में मदरसों के शिक्षकों के वेतन भी बढ़ाए जाने चाहिए, और बढ़ाए जाते रहे हैं और बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर के कोई राजनीति नहीं होगी। हम किसी उर्दू शिक्षक हो, हिंदी शिक्षक हो, या संस्कृत शिक्षक हो, या अंग्रेजी शिक्षक हो, भाषा के आधार, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। जो नियमों में होगा वो निश्चित तौर पर होगा, हम उसको बढ़ाने का, उसको बढ़ाने या घटाने का देख करके इसके आधार पर आकलन नहीं करते हैं कि कोई किसी जाति का है, मजहब का है, ना किसी भाषा को मानता है या किसी क्षेत्र को मानता है, तो हम कोई भेदभाव करें। जी, लेकिन जो मदरसा पॉलिटिक्स है बीजेपी को, इसको थोड़ा सा और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं समझना चाहूंगी, आप बीजेपी जो है मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, अब तक योगी सरकार के कार्यकाल के भीतर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो अचीवमेंट्स है, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं? राकेश जी, निश्चित तौर पर 2017 में सरकार बनते ही हमने मदरसों के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब नियम अनिवार्य किया, तो मदरसों के नाम पर जो बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा चल रहा था, छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ी संख्या में जो विद्यार्थियों की संख्या गलत तरीके से भरी जा रही थी और गलत अकाउंटों में पैसे जा रहे थे, हमने उसको रोकने का काम किया, और वास्तविक तौर पर जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सके, समाज कल्याण विभाग ने इसकी पूरी व्यवस्था करने का काम किया है। अब वास्तविक छात्र उनके खातों में सीधे समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के पैसे पहुंच रहे हैं। जो मदरसे शिक्षकों के नाम पर गलत तरीके से नियुक्तियां की गई थी, फर्जीवाड़ा किए गए थे, उसकी भी जांच करके हमने मदरसा शिक्षकों को भी एक आज नियमित करने का काम किया और उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मदरसे के भीतर NCERT के पाठ्यक्रम को लागू कराया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है, और आज उत्तर प्रदेश में जो वित्त पोषित मदरसे हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, वहां पर NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। आज वहां के विद्यार्थी NCERT की पाठ्यपुस्तकें पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामने निकल करके आ सके, मुख्य धारा में साथ आ सके, मुफ्ती मौलवी मौलिम बनने के साथ साथ में वो दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके, इसकी यह सारी व्यवस्थाएं की गई है। मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी उत्तर प्रदेश के आज जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसकी ओर से लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग भी इसके को लेकर के चिंता करता है, जहां कहीं भी मदरसों को लेकर के कोई अनियमितता या कोई शिकायत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान करने का भी काम हम कर रहे हैं।
मदरसों को लेकर के प्रदेश की योगी सरकार किसी प्रकार का कोई दोहरापन नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है, बल्कि हम उसी तरह से जैसे संस्कृत पाठशालाएं हैं, जैसे बेसिक शिक्षा के विद्यार्थी स्कूल हैं, उसी प्रकार से हम मदरसों के मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी हम बिल्कुल व्यवस्थित करके लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। हमने मदरसा विद्यार्थियों के साथ या उनके शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जी राकेश जी, तो फिर जो आप पर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने का, सियासत करने का आरोप लगता रहा है कि खुलकर जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभाओं से हैं इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए दिखे हैं, क्या खुद को अब बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति से थोड़ा सा अलग करती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है हिंदुत्व को 1995 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई आध्यात्मिक गुरु कहता है तो उसको बायस मान सकते हैं, लेकिन 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट देकर के हिंदुत्व को एक वे ऑफ लाइफ बताया था, मुझे लगता है कम से कम उससे समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व भारत के जन जन में रचा बसा है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे ही रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं। हिंदुत्व का मतलब कोई पूजा उपासना की पद्धति केवल नहीं है, हिंदुत्व का मतलब कोई ईश्वर में मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों से नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है जो पशु पक्षियों के साथ, पर्यावरण के साथ हमको एक संवेद रूप में बांधने का काम करती है, जो वर्षों से हमारे पुरखे पुरानियों ने हमको एक वे ऑफ लाइफ सिखाया है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। और हिंदुत्व में दान चरित्र नानुतुम वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को एक एक परिवार पे देखने का काम करते हैं, उसमें किसी के लिए भेदभाव कैसे हो सकता है, उसमें किसी के लिए अनिष्ट की घटना कैसे हो सकती है, उसमें तो हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं ना, अंतरिक्ष को हम की शांति तक की बात करते हो, उस हिंदुत्व को मुझे लगता है इस व्याख्या में कहीं ना कहीं अन्याय किया जाता है। हिंदुत्व का मतलब कोई कट्टरपन नहीं है, हिंदुत्व का मतलब तो उदारता है। जी, लेकिन राकेश जी, कई बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं चुनाव के दौरान, जो लोकसभा के चुनाव है, बीजेपी पर एक आरोप ये भी लगा कि वो 400 पार का नारा ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि वो संविधान बदल सके, वो संविधान जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। राकेश जी, धर्मनिरपेक्ष मुझे लगता है गलत व्याख्या होती है। धर्म सापेक्ष अगर बात की जाए कि सर्वधर्म संभव जहां हो, निरपेक्षता तो नहीं हो सकती है। भारत का संविधान, अगर भारत के संविधान की मूल प्रति को आप देखेंगे तो भारत के संविधान की मूल प्रति पर अंकित चित्र ही अपने आप के कई धर्मों के साथ संबद्ध होने की बात करते हैं। और भारत आज दुनिया का एकमात्र ऐसा इकलौता मुल्क है जहां पर बहुसंख्यक आबादी कई बार धर्मांतरण का शिकार हो जाती है अल्पसंख्यक आबादी के कारण, और इस तरह की स्थिति आप दुनिया भर में कहीं नहीं देख सकते जहां अल्पसंख्यक आबादी किसी भय के साए में रहती हो। भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर अल्पसंख्यक आबादी से भय खाने का काम बहुसंख्यक आबादी करती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आज अल्पसंख्यकों को यहाँ हर प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, आज हर प्रकार की व्यवस्थाएं मिली हुई है। मुझे लगता है हिंदुत्व को लेकर के जो लोग गलत व्याख्या करने का काम करते हैं वही लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक गलत स्वांग रखने का काम करते हैं। भारत सर्वधर्म संभाव के साथ चलने वाला देश है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने वाला देश है। नहीं, राकेश जी, यूएन की अमेरिकी कई रिपोर्ट में जो है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई गई है और भारत को उन देशों की लिस्ट में जोड़ा गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो विचारणीय है, जहाँ पर चिंता है उस देश में जो अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकार हैं उस पर चिंता जताता है। तो कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं भारत से निकलकर जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जा रहे हैं या फिर अमेरिका जिस तरीके से इस पर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स कर रही है इससे पूरे पूरे भारत की जो छवि है वो प्रभावित होती नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संदर्भ में आकलन करते समय कई बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत के प्रति एक उदारता का व्यवहार नहीं रखती है, वो एक ऑर्थोडॉक्स सोच के साथ चलती है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज भारत के भीतर हर प्रकार के अल्पसंख्यक बिरादरी को पूरा सम्मान है, पूरा अधिकार है। और मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, भारत में जो बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य, सबसे बड़े देवता जिनकी भगवान के नाते हम पूजा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए हम दशकों तक कोर्ट के भीतर कटघरे में जाकर के गवाहियां देते हैं, भगवान रामलला स्वयं अपना मुकदमा लेकर के जाते हैं और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद हम उसको उसकी में विजय पाते हैं और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। काशी विश्वनाथ का मामला हो या आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो मथुरा का,
ये सारे मामले भी सब जुडिस हैं, ये सारे मामले भी कोर्ट के द्वारा तय हो रहे हैं। अगर हिंदुत्व की राजनीति भारत में हो रही होती और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है अगर वो हिंदुत्व के मॉडल के आधार पर चला रही होती और हिंदुओं के हितों को केवल संरक्षित कर रही होती तो कानूनन तरीके से हम इसको सत्ता के दम पर इसको हासिल कर लेते। लेकिन हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, ये भारत की प्रवृत्ति नहीं है। भारत की प्रवृत्ति सबको साथ लेकर के चलने की है, भारत की प्रवृत्ति कानून का पालन करने की है, भारत की प्रवृत्ति संविधान की रक्षा करने की है, और इसलिए कोई व्यक्ति इसको तोड़ नहीं सकता। मैंने उदाहरण दिया कि केवल इकलौता मुल्क भारत ऐसा है जहां बहुसंख्यक आबादी का धर्मांतरण होता है। बहुसंख्यक आबादी इस बात की शिकायत लेकर के कोर्ट में जाती है और इसके लिए बाकायदा कानून बनाना पड़ता है कि अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो चाहे वो इस्लाम से हो, जो अभियान पूर्वक अलग अलग स्थानों पर विशेष करके आदिवासी और दलित समुदाय के बीच में धर्मांतरण को लेकर के गलत तरीके से एक नैरेटिव गढ़ करके धर्मांतरण हिंदू आबादी का करने का काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क आप नहीं बता सकते जहां पर अल्पसंख्यक आबादी पर इस तरह के आरोप लगते हो कि वो बहुसंख्यक आबादी का धर्मांतरण करा रहे हो। और मैं उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश का उदाहरण दूंगा। आप बांग्लादेश में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए कि किस तरह से वहां आज जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन पर कितने हमले हो रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप तमाम मुल्कों में देख सकते हैं। आपको ये दिखाई पड़ेगा कि अल्पसंख्यक आबादी के साथ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती है और इसका आरोप बहुसंख्यक आबादी पर लगता है, जबकि भारत के भीतर ये आरोप अल्पसंख्यक आबादी पर लगता है कि वो बहुसंख्यक आबादी पर अत्याचार कर रही है। जी, लेकिन मैं उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि जब बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी तो बॉर्डर पर बहुत सारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब जो हिमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने कहा कि हम सबको जो है शरण नहीं दे सकते, इतनी कैपेसिटी भारत की नहीं है। ऐसे में जब आप पूरे हिंदुत्व समाज की बात करते हैं तो बीजेपी इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेगी? बहुत बड़ी तादाद में जो है बॉर्डर पर खड़े रहे हिंदू समाज के लोग, और बांग्लादेश में अब भी दुर्गा पूजा के दौरान भी कई तरह की अनहोनी की घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी इन सभी घटनाओं पर क्या अपनी टिप्पणी रखना चाहेगी? देखिए, हम इस बात को स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुखद था, मानवता को समसार करने वाला था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वर में इस बात को सबको कहना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था वो गलत हो रहा था और निश्चित तौर पर उसको रोका जाना चाहिए। और इस बात के लिए हम भी अपेक्षा करते हैं कि हिंदू अपने आप को एकजुट करके, सशक्त करके अगर एक साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई अनहोनी नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश का निवासी है, उस देश के नियम कानून संविधान का पालन करने वाला है। दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो भारत आकर के ही अपने आप को सुरक्षित रह सके। वो जहां है वहां सुरक्षित रहे। भारत इस बारे में हमेशा अपनी चिंता भी व्यक्त करेगा और जो अपेक्षाएं होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, निश्चित तौर पर उठाने का भी काम करेगा। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने भी इस विषय को उठाने का काम करेंगे कि किसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ किसी भी देश में अन्याय नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो हिंदुओं के साथ भी नहीं होना चाहिए और किसी अन्य समाज के साथ भी नहीं होना चाहिए। जी राकेश जी, अब मैं आपका ध्यान दोबारा से आरएसएस की तरफ ले जाना चाहूँगी। हरियाणा के जो चुनाव नतीजे आए उससे एक बार फिर से बात होने लगी है कि बीजेपी आला नेतृत्व जो है उसके बीच और आरएसएस के बीच में जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मनमुटाव आ गया था वो कहीं ना कहीं जो है शायद अब पहले से कम हो गया है हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से, क्योंकि जो आरएसएस है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस हम जब कुछ दिन पहले अभी हमने मनाया विजयादशमी के दिन, विजयादशमी के दिन जब हम स्थापना दिवस मनाते हैं तो इस बात को बार बार संघ स्पष्ट करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक तौर पर सीधी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। स्वयंसेवक राजनीतिक दल में काम करते हैं और स्वयंसेवक सभी राजनीतिक दलों में हैं। ऐसी कई सारी रिपोर्ट आई हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद कि आरएसएस ने 16,000 जनसभाएं की और गुपचुप तरीके से जो है मतदाताओं के हर एक वोटर के पास पहुंचे आरएसएस के जो है कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के पन्ना प्रमुख, कहीं नहीं छोड़ा गया। तो आखिर ये चुनावी नतीजों के बाद इस तरह की रिपोर्टों का क्या तर्क है या फिर मतलब है राकेश जी? देखिए, संघ औपचारिक तौर पर चुनावों में किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार करे ऐसा नहीं होता है। हाँ, अनौपचारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक इस बात के लिए हमेशा स्वतंत्र रहे हैं कि वो अपने जिस पसंद के राजनीतिक दल या पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में वो अपने समर्थन करें, लोगों को जागरूक करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और राष्ट्रवादी विचार के नाते, राष्ट्रीय विचारों के नाते भारत माता की जय के नारे संघ में भी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी होते हैं, इसलिए संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक चुनाव में लगते हैं। लेकिन संघ के साथ कोई मनमुटाव है ऐसा नहीं है। हम मात्र संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है,
हम उनसे वैचारिक साम्यता रखते हैं, हम उनसे वैचारिक प्रबोधन लेते हैं, हम उनसे वैचारिक परामर्श करने का काम करते हैं, और संघ परिवार की जब समन्वय की बैठकें होती हैं तो हम उसमें भी सजग करते हैं। हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, संघ के बीच में और भाजपा के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव न था, न है, न होगा। हम सब एक साथ भारत माँ को कैसे सशक्त किया जा सके, दुनिया भर में सबसे आगे कैसे किया जा सके, हम दुनिया को एक दिशा कैसे दे सके, हम इसके लिए लगातार काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी तो मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि क्या जो संघ है उसका चुनावी जीत जो बीजेपी को मिली है उसमें कोई भूमिका नहीं है, आप हाँ या ना कहना चाहेंगे? नहीं नहीं मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका हर चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सब हमारे लिए एक सकारात्मक रूप में रही है। हम किसी भी चुनाव में उनकी भूमिका को नकारते नहीं है। संघ के स्वयंसेवक हमारे लिए निश्चित तौर पर एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, और ये जो तमाम नकारात्मक शक्तियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ में जुड़ती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करें, ऐसे में देश के भीतर से हमारी एक बहुत मजबूत राष्ट्रीय शक्तियां संघ के स्वयंसेवकों के रूप में हमारे साथ जुड़ती हैं। हर चुनाव में उनके उनका योगदान होता है, उनकी भूमिका होती है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मदद करने का काम करते हैं। जी राकेश जी, आरएसएस और बीजेपी, ये तनाव हो, मनमुटाव हो, इसकी खबरें बहुत ज़्यादा हमने देखी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, और अब वैसे ही कुछ हम देख रहे हैं आरएसएस से जुड़ी जो चर्चाएं हैं, बहस है, खबरें हैं, वो काफ़ी आने लगी हैं हरियाणा चुनावी नतीजों के बाद। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और ये भी बातें आई कि संघ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी का जो आला नेतृत्व है उससे नाराज चल रहा है। नितिन गडकरी के नाम का काफी कई बार जिक्र आया, आप इन सब खबरों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जी इस तरह की खबरों का कोई स्थान नहीं है, इन खबरों पर केवल हंसा जा सकता है। जी इस तरह की खबरें कई बार मीडिया गॉसिप के रूप में चलती है, मीडिया गॉसिप के अलावा और कुछ नहीं है। संघ में इस प्रकार की कोई चर्चा संघ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर के नहीं हुई है, और संघ करता भी नहीं है। संघ का अपना काम है, संघ अपने कार्यक्रम अपने कार्यक्रमों के आधार पर चलता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधियां अपने आधार पर चलाने का काम करती है। नेतृत्व किसका क्या होगा, कौन किस प्रकार की नीतियां लेकर चलेगा, इसको लेकर के कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है राकेश जी, मैं समझना चाहती हूँ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जेपी नड्डा अब तो सरकार में आ गए हैं, और लंबे अब एक लंबा समय गुजर गया है जब पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिल रहा है, किसका चेहरा जो है, कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर लगातार जेपी नड्डा वही ये जिम्मेदारी संभालते रहेंगे आने वाले भविष्य में भी? जी भारतीय जनता पार्टी इस समय सदस्यता अभियान चला रही है पूरे देश भर में, और 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस समय भारत में बन चुके हैं। हम दुनिया की नंबर वन पार्टी पहले भी थे, और अपने ही रिकॉर्ड को पुनः ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत तेज गति से लगे हुए हैं। इस बीच में दो राज्यों में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी संपन्न हुआ है, कुछ राज्यों में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, और साथ साथ में झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं, उसके लिए भी कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी नया नेतृत्व नया निर्णय होने वाला है, मुझे लगता है इसके लिए समय है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में लगी हुई है, सदस्यता अभियान कंप्लीट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों के चयन, उसके निर्वाचन, ये प्रक्रियाएं चलेंगी, प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है जिसमें सदस्यता, सदस्यता के बाद प्रशिक्षण और उसके बाद निर्वाचन, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इकलौता एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जहां पर इस प्रकार से समय अंतराल पर हम सदस्यता करने का भी काम करते हैं, प्रशिक्षण करने का भी काम करते हैं, और निर्वाचन करने का भी काम करते हैं। पार्टी का नेतृत्व निश्चित तौर पर एक समय अंतराल के बाद परिवर्तित होगा, कौन बनेगा इस बात के बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाना, आकलन करना बहुत कठिन है। ये केवल मीडिया ही काम कर सकती है, हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की जिम्मे ये काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, लेकिन जो नाम है मैं आपके सामने रख देती हूँ हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद, खासतौर पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम जो है काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हमारे दर्शकों के लिए कोई भी जानकारी बहुत ही अहम हो जाती है राकेश जी। मैंने नेहा जी कहा ना कि ये एक बहुत गुरुतर दायित्व है, ये एक बड़ा काम है, ये काम केवल मीडिया संचालित कर सकता है। मीडिया ही किसी को अध्यक्ष बना सकता है या किसी को हटा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं है। हम तो जो भी अध्यक्ष निर्वाचित होगा, जो अध्यक्ष पार्टी के द्वारा सर्वसम्मति से तय किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना अध्यक्ष मान करके उसके साथ उसके दिए गए मार्गदर्शन में उसके निर्देशों पर पार्टी एकजुट होकर के काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां कोई सामान्य कार्यकर्ता जो दरी बिछाता रहा हो, पोस्टर लगाता रहा हो, नारे लगाता रहा हो, संचालन करता रहा हो, वो भूमिका तक पहुंच जाएगा और उसको पार्टी चलाने की पूरी ताकत
उसको रिमोट कंट्रोल से नहीं, पूरी पार्टी चलाने की ताकत उसको मिलती है, सामूहिक नेतृत्व के साथ वो चल सकता है। जी राकेश जी, चुनावों का जिक्र किया आपने, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड में विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसे, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए, ये सवाल मैं ज़रूर आपसे समझने की कोशिश करूँगी कि ऐसी क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव जून में नतीजे आ गए, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि साल के आखिर में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे, क्या वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जनप्रतिनिधि मिलने में इतना वक्त लग जाएगा, जबकि आपकी जो सरकार है केंद्र में वो कहती है कि एक देश एक चुनाव, आखिर कहाँ कमियां रह जा रही हैं कि उपचुनाव कराने में भी चुनाव आयोग असक्षम दिखता है, खास करके अगर 6 महीने का अंतराल, बहुत लंबा अंतराल हो जाता है। राकेश जी, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई है, चुनाव आयोग को चुनाव कब कराना है, किस राज्य में कराना है, परिस्थितियां क्या होंगी, उनके पास व्यवस्थाएं क्या है, ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार के नाते वो जिम्मेदारियां जो निर्वाचन आयोग से सौंपी जाती है, सरकार उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का काम करती है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उसको करनी होती है वो आदेश चुनाव आयोग करता है और उसको सरकार पूरा करती है। लेकिन चुनाव कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये निर्वाचन आयोग तय करेगा। हम सैद्धांतिक तौर पर इस बात के पक्षधर हैं कि इस देश में बारंबार चुनाव होने से विकास कार्यों में ब्रेक लगता है, उससे गति अवरुद्ध होती है। चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे मतदाता को भी सहजता होगी और देश का एक बड़ा राजस्व जो चुनाव पर खर्च होता है वो राजस्व भी बचेगा और साथ साथ में विकास के कार्यों पर किसी प्रकार का ब्रेक नहीं लगेगा, अबाध गति से विकास कार्य संपन्न हो सकेंगे। इसलिए एक देश एक चुनाव की तरफ देश को बढ़ना चाहिए। देश में आज इस तरह का विमर्श प्रारंभ हुआ है, जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को लेकर के आज देश भर में एक सकारात्मक वातावरण है और मुझे लगता है कि अधिकांश राजनीतिक दल वो एक देश एक चुनाव के साथ में है और जब भी इसको लेकर के कोई वैधानिक प्रक्रिया बनाई जाएगी तो वो निश्चित तौर पर इससे देश को लाभ होगा। एक देश एक चुनाव के साथ देश को आगे जाना ही चाहिए। लेकिन जब आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव आयोग तो असक्षम दिखता है, आपने कहा कि चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र जो है संवैधानिक संस्था है, तो ऐसे में चुनाव आयोग तो सक्षम नहीं दिख रहा, यानी कि धरातल पर परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन बीजेपी जो अपने जो समर्थक हैं या फिर जनता है उसके सामने कुछ और स्थिति प्रस्तुत कर रही है। अगर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की ही बात की जाए, वो कहते हैं कि ये संभव है, लेकिन चुनाव आयोग की जो क्रियाएँ देखी जाए, कार्यशैली देखी जाए, वो लगता है असंभव है। नहीं नेहा जी, आज मौजूदा परिस्थितियां जो है उन मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जब एक देश एक चुनाव के मॉडल को लेकर के आगे जाएंगे तो निर्वाचन आयोग को भी अपने संसाधनों की, अपनी व्यवस्थाओं की जो आवश्यकता होगी, वो जिस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की आवश्यकता होगी, वो उस प्रकार के चेंजेस उसमें लेकर के आएंगे, क्योंकि चुनाव कराने का काम तो निर्वाचन आयोग को ही करना है। तो निर्वाचन आयोग इसके लिए मतदाता सूची पर कैसे काम करेगा, इसके लिए किस प्रकार के संसाधनों को जुटाने का काम करेगा, ईवीएम या और प्रकार की जो व्यवस्थाएं जुटानी है उसके लिए क्या क्या चीजें जुटानी होगी, एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यह असंभव नहीं है, ये संभव है, किया जाना चाहिए। जी, अगर ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे महिला आरक्षण के साथ हुआ, वो भी एक 10-15 साल के बाद अस्तित्व में आने वाली बात, बीजेपी अभी से उसको लेकर आ गई, फिर ये भी ऐसा लग रहा है, क्या जनता को वो तस्वीर दिखाई जा रही है जो हकीकत 10-15 साल में बनते बनते लग जाएंगे? देखिए नेहा जी, जब भी कोई बड़े परिवर्तन किए जाते हैं और सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं उसमें हमेशा समय लगता है। कोई भी हरी भरी में चीजें इस तरह की सकारात्मक नहीं की जा सकती हैं, बहुत हरी भरी में केवल विध्वंस के काम किए जाते हैं। कुछ गिराना हो तो निश्चित तौर पर उसको एक ब्लास्ट करके एक रिमोट से गिराया जा सकता है, लेकिन निर्माण करने की प्रक्रिया हमेशा सनई सनई चलती है और स्थायी निर्माण जब करना हो तो निश्चित तौर पर इसकी गति थोड़ी धीरे में होती है, लेकिन 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में लेकर के आना है, देश को नंबर एक इकोनॉमी अगर दुनिया की बनाना है तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमको इस तरह के कुछ कदमों से गुजरना होगा, हमको कुछ इस तरह के नए रिफॉर्म करने होंगे, हमको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार के परफॉर्मेंस करने ही पड़ेंगे। बीजेपी तो कह सकते हैं कि अपने बहुत ही स्वर्णिम युग से गुजर रही है, हरियाणा में कम से कम जो अप्रत्याशित जीत मिली है तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है इसकी तो वाहवाही बहुत ज्यादा हो रही है। राकेश जी, इससे बेहतर समय क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित हार कांग्रेस को लगी है उनके लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत पूरी तरह से प्रत्याशित थी। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जिस तरह की लोकप्रियता है, और आप अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी देखेंगे तो देश भर में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लोगों ने स्वीकार किया है। कुछ राज्यों के परिणाम निश्चित तौर पर स्थानीय इकाइयों के कारण प्रभावित हुए हैं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में
पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानीय कारणों से हमारे परिणाम प्रभावित हुए, लेकिन आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दिल्ली की सारी सीटें हो, उत्तराखंड की सारी सीटें हो, हमने कई राज्यों में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो नरेंद्र मोदी जी का जादू अभी भी सब पर चल रहा है। हरियाणा के चुनाव हमारे लिए बिल्कुल प्रत्याशित थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल नहीं, ये देश के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। आज दुनिया भर की निगाहें आज भारत की तरफ है। आज दुनिया भर में कोई खतरा कोई संकट आता है तो समाधान भारत की तरफ से निकल करके आ रहा है। तो इसलिए भारत के लिए स्वर्णिम काल का समय चल रहा है। ये केवल भाजपा के लिए नहीं, वैसे भी सशक्त भारत के लिए सशक्त भाजपा आवश्यक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। राकेश जी आप जुड़े चर्चा द ट्रुथ के साथ और दर्शकों तक बीजेपी की जो भी परिस्थितियां हैं, जो सवाल उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में स्पष्टता लाने की कोशिश की। बहुत बहुत आभार इसका आपके लिए एक बार फिर से जताना चाहूंगी और दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी हो तो बेझिझक आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर @justbroadcasting.com पर भी। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीम के साथ। नमस्कार।